सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मुंबई के लोअर परेल इलाके में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। कमला मिल्स कंपाउंड के मोजो ब्रिस्टो लॉन में लगी इस आग में 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 11 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ज्यादातर महिलाओं की लाश वॉशरूम से बरामद हुई है। इस हादसे पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने संवेदनहीन बयान दिया। उन्होंने कमला मिल्स में लगी इस आग के लिए एक तरह मुंबई की बढ़ती आबादी को जिम्मेवार बताते हुए कहा, निर्माण से पहले चेक किया जाना चाहिए कि जाने का आने का रास्ता है या नहीं। मुंबई के अंदर एक और मुंबई बनाया जा रहा है, एक शहर के बाद दूसरे शहर पर विकास के लिए जाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। बीएमसी के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने यह कहा, काफ़ी बड़ी घटना है, 14 लोगों की जान चली गई, मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कोई भी अधिकारी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच के बाद पता लगेगा कि यह किसकी जिम्मेदारी है, सब कुछ देखना मेरे लिए संभव नहीं है, हम सभी जगह नहीं हो सकते। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।